लास्ट पार्ट पढ़ेंगे। ये लेसन बहुत लंबा था तो अपने इसमें पादप प्रजनन के प्रमुख विधियां पढ़ी थी, तो इसमें लास्ट एक पादप प्रजनन की व्युत्क्रम आवृत्ति चयन विधि जो शेष बची उसे आज कंप्लीट करेंगे। तो पढ़ते हैं व्युत्क्रम आवृत्ति चयन। अपने व्युत्क्रम आवृत्ति चयन के बारे में कल पढ़ा था कि इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य सामान्य संयोजन क्षमता और विशिष्ट संयोजन क्षमता को एक साथ बढ़ाना है। तो इस व्युत्क्रम आवृत्ति चयन का क्या उद्देश्य था? सामान्य संयोजन क्षमता और विशिष्ट संयोजन क्षमता को एक साथ बढ़ाना है। इसमें क्रियाएं की क्या की जाती हैं वो अपने देखेंगे कि सबसे पहले प्रथम विश्व में क्या करते हैं। तो प्रथम विश्व में क्या करते हैं? दो समितियां ए व बी को पास पास उगाया जाता है। क्या करते हैं? दो समिति लेते हैं, मूल समिति ए और मूल समिति बी, इनको क्या करते हैं? पास पास उगाया जाता है। तो देखेंगे दो समितियों ए व बी के पादपों को पास 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 उगाते हैं। तो ये प्रथम क्रिया ये करेंगे, पौधों को क्या किया? पास पास उगाते हैं। और इसमें से जो एक सुमिष्टि है उनमें से उत्कृष्ट पौधों का चयन करते हैं और उनमें सब प्रकरण होने दिए जाते हैं। तो सुमिष्टि ए है, पौधों का
होती है। फिर इसके बाद में द्वितीय वर्ष, द्वितीय वर्ष में क्या करते हैं, परीक्षा संक्रमण समितियों का उपज परीक्षण करते हैं। तो द्वितीय वर्ष में ये लिखना है आपने, इस तरह से बनाना है, जिसके सामने क्या नोट करेंगे, ये सारे प्रथम वर्ष की क्रियाएं थी। अब आगे है द्वितीय वर्ष, तो द्वितीय वर्ष में क्या करेंगे, परीक्षा संक्रमण समितियों का उपज परीक्षण करते हैं। परीक्षार्थ संक्रमण संतियों का उपज परीक्षण करते हैं। तो ये द्वितीय वर्ष में ये क्रिया की जाती है। इसके बाद में आगे है तृतीय वर्ष, तो तृतीय वर्ष में अपने क्या क्रियाएं करते हैं उसे लिखेंगे। तृतीय वर्ष में अपने क्या करेंगे, जो अच्छी परीक्षा संक्रमण संतति पैदा करने वाले पौधे थे उन बीजों को उगाते हैं। तो तृतीय वर्ष में अपने एक पौधे इन पौधों को ऐसे कतारों में उगाएंगे, ये एक थे, और जो बी पादप है उनको भी इसी तरह से उगाएंगे। इधर संक्रमण करवाएंगे इस तरह से,
दोनों का आपस में संक्रमण करवाया जाता है और क्रियाएं क्या करेंगे, सभी संक्रमणों के बीच है मिलाकर उसके सामने क्या लिखेंगे, सभी संक्रमणों के बीच मिलाकर सूत्री समिष्टि उगाते हैं, सूत्री हुई समिष्टि उगाते हैं। और इसके बाद में क्या करते हैं, वही प्रथम वर्ष की क्रियाएं दोहराते हैं। प्रथम वर्ष की क्रियाएं दोहराते हैं, ये थी चतुर्थ वर्ष में होने वाली क्रियाएं। फिर आगे पांचवें वर्ष में क्या करेंगे, उपज परीक्षण करेंगे। तो पांचवें वर्ष में लिखेंगे अपने के बाद फिर आगे इधर जो चतुर्थ वर्ष में थी उनमें भी क्या करेंगे, उपज परीक्षण करते हैं। अंतर संक्रमण खंड बन गए, पृथक अंतर संक्रमण
वापस वही क्रियाएं दोहराते हैं। कौन सी जो चौथे वर्ष में थी, पांचवे और छठे वर्ष की क्रियाएं वो वापस दोहराई जाती हैं। और इस तरह से ये व्युत्क्रम आवर्ती चयन की विधि कंप्लीट होती है। तो इसमें कितने वर्ष लगे टोटल? इसमें 6 वर्ष लगते हैं। और इसमें जो सामान्य संयोजन क्षमता के लिए आवर्ती चयन था और विशिष्ट संयोजन क्षमता के लिए आवर्ती चयन है, वो दोनों विधियों को एक साथ में लिया जाता है। तो आज अपने जो फर्स्ट लेसन है इसे कंप्लीट किया है। इसके पूरे वीडियो को अपने इसमें पढ़ा था, तो आपने इसे अपनी नोटबुक में पूरा नोट किया होगा और रिवाइज करना है इसे। और नेक्स्ट वीडियो में अपने अगला लेसन स्टार्ट करेंगे लेसन।